नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच दो अभ्यास मैच खेले गए। पहला अभ्यास मैच ड्रॉ रहा था, लेकिन दोनों ही अभ्यास मैचों में टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। अब वो दिन बहुत पीछे चले गए जब ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को अपनी तेजी और बाउंसर से डराया करते थे। अब भारतीय गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डरे सहमे रहते हैं। हमारे गेंदबाज ना सिर्फ तेजी से बल्कि अपनी खतरनाक और तेज बाउंसरों से खिलाड़ियों को डराते भी हैं और पीछे धकेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही चोटों से परेशान चल रही है और अभ्यास मैच में टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया ए के कई और खिलाड़ियों को घायल कर दिया है। जी हां, पहले अभ्यास मैच में विल पोकोस्कोवी की सर में एक जोरदार गेंद लगी थी और उसके बाद वो मैदान से बाहर चले गए थे और खबर आई कि वो पहले टेस्ट मैच से भी बाहर हो गए हैं। अब दूसरे अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया के दो और खिलाड़ी सिर में गेंद लगने की वजह से टीम से बाहर हो गए हैं। चोटों से जूझ रही ऑस्ट्रेलियाई टीम की समस्या शनिवार को तब और बढ़ गई जब मध्यम तेज गेंदबाज हैरी कॉनवे भारत के खिलाफ गुलाबी गेंद से खेले जा रहे अभ्यास मैच के दौरान कनकशन का शिकार हो गए। मार्क्स टिकेटी को आखिरी दो दिन के खेल के लिए उनकी जगह टीम में शामिल किया गया। 11वें नंबर के बल्लेबाज कॉनवे पर भारत के तेज गेंदबाजों ने चौतरफा हमला कर दिया था और लगातार बाउंसरों की जैसे बौछार कर दी थी। ऑस्ट्रेलियन मीडिया में भी ये खबरें काफी ज्यादा चर्चा में थी कि भारतीय तेज गेंदबाज निचले क्रम के बल्लेबाजों पर भी बाउंसरों से चौतरफा हमला क्यों कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के कमेंट्री पैनल भी इस पर काफी हैरान थी। आपको बता दें, पहले दिन के खेल के आखिरी सत्र के दौरान कॉनवे के सिर पर एक तेज गेंद मोहम्मद सिराज की लगी और उसके बाद वो भी कनकशन का शिकार हो गए। इससे पहले कैमरून ग्रीन को भी जसप्रीत बुमराह की एक सीधी गेंद आकर सर पर लगी थी और उसके बाद वो भी आगे के मैच नहीं खेल पाए थे। कैमरून ग्रीन और विल पोकोस्कोवी भारत के खिलाफ मौजूदा मैचों में कनकशन का शिकार हो चुके हैं। ग्रीन को शुक्रवार को अभ्यास मैच में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर चोट लगी थी, जबकि कॉनवे को देर से कनकशन के लक्षण पाए गए। जिस तरीके से भारतीय तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को घायल कर रहे हैं, टेस्ट मैचों में उनकी सरदर्द बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। दूसरे अभ्यास मैच की बात करें तो इस अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, क्योंकि भारत ने अपनी दूसरी पारी 386 रन बनाकर घोषित की, जिसमें पंत और हनुमा विहारी ने शानदार शतक ठोके। ऑस्ट्रेलियाई ए टीम को तीसरे दिन जीत के लिए 473 रनों का लक्ष्य मिला था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।